हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज के वीडियो में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 कैसे लाएं, उसे लाने का हम तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। और आपको स्टार्टिंग से इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद में एंजॉय करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक्स आपके लिए जो है हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक जो है आपके लिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वैद्युत स्थैतिकी। देखिए, इस टॉपिक में क्या करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। हमें किन बातों पर ध्यान देना है, कौन सा इस टॉपिक्स में हम क्या पढ़ें कि कैसे हमारा मोर देन आपका 90% नंबर जो है, या 35 में 35 जो है हमारा आए। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो है आपका टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले क्या है, विद्युतीय आवेश एवं आपका क्षेत्र, इसके बारे में हमको पढ़ जाना है। यानी कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इसके बारे में हमको गहन अध्ययन करना है कि हमारा जो है विद्युत क्षेत्र कैसे क्रिएट होता है, कहाँ से ये क्रिएट होता है, कहाँ से निकलता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको फुल्ली कमांड कर जाना है कि आपका विद्युतीय आवेश एवं क्षेत्र, ठीक। अब इसमें दूसरा नंबर काम हमें क्या करना है, तो दूसरा नंबर क्या करना है कि इसमें हमको देखना है कि आपको विद्युतीय विभव के बारे में, ठीक है। विद्युतीय विभव क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए, विद्युतीय आवेश पहला था और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है। इसके बारे में हमको जानकारी हासिल कर लेना है कि विद्युतीय विभव का निर्माण कैसे होता है और ये कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल कर जाना है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरी बात इसमें क्या है आपका संधारित्र, ठीक है। संधारित्र जिसको आप कहते हैं कैपेसिटेंस के बारे में हमको जानकारी ले लेना है कि कैपेसिटेंस है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसी में क्या है ग्रुपिंग, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में हमको देख लेना है, इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस में सीक्वेंस जो आपका आता है सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, उसके बारे में देख लेना है। और इसी में क्या देख लेना है, चौथी बात है कि हमारा सेल, ठीक है, यानी कि बैटरी, सेल यानी कि बैटरी, इसमें क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में देख लेना है। और क्या देख लेना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में हम EMF, ठीक है। तो ये सब बातों को मैं बता रहा हूँ, उसको एकदम बारीकता से ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा ये सब टॉपिक्स पर आप कमांड कर लोगे, ठीक है, तो आपका करीब करीब जो है 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें और भी एक आता है जो आपका है गॉस थ्योरम, ठीक है। आपका आता है गॉस थ्योरम, ठीक है। इस गॉस थ्योरम के बारे में हम फुल्ली अध्ययन कर लेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी बुक से कर लो, ठीक है, चाहे आप किसी टीचर के यहाँ पढ़ते हो उनका नोट्स उठा के देख लो। तो ये सब आप जब कर लोगे
तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स जो है आपका क्या हो जाएगा ना, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये सब टॉपिक्स जो है काफ़ी चुनिंदा टॉपिक्स है और इससे ऑब्जेक्टिव जो है आपका एग्ज़ाम में देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक में, तो यही सब टॉपिक्स में यही सब पढ़ने के बाद जो है आपका जो भी मार्केबल नंबरिंग जो होगा इसी के अनुसार होगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं हम दूसरे टॉपिक्स पर जो काफ़ी इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो टॉपिक्स नंबर दूसरा, टॉपिक्स दूसरा क्या है ज़रा देखिए, आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा टॉपिक्स हमारा जो है ये हमारा जो है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये टॉपिक्स पर कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं हम प्रकाशीय, जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय, और ये हमारा जो है क्या है, ये है प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक्स में हमको क्या करना है, किसके बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला चीज़ है पहला कि आपका रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन थ्रू, रिफ्रेक्शन थ्रू अस्फेरिकल सरफेस, अस्फेरिकल सरफेस, इसको देख लेना है। यानी कहने का मतलब क्या है, गोलीय सतह पर अपवर्तन, गोलीय सतह पर अपवर्तन, इसके बारे में हमको जानकारी हासिल कर लेनी है कि यह है क्या चीज़, ठीक है। इसका रे डायग्राम कैसे क्या होता है, आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा इसमें क्या है, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तीसरा इसमें है आपका लेंस फॉर्मूला, तीसरा आपका जो है लेंस फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है, लेंस फॉर्मूला। चौथी इसमें बातें हैं इसका पावर, ठीक है, पावर मीन्स शक्ति, ठीक है, जिसको आप डायोप्टर मापते हो, डायोप्टर, ठीक है, ये हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या देखना है कि इसमें डेविएशन, डेविएशन, डेविएशन इन प्रिज्म, डेविएशन इन प्रिज्म, ठीक है, यानी प्रिज्म में विचलन, प्रिज्म में विचलन, इन सब बातों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है, और इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब टॉपिक्स में ये सब जो है ना हमारा पॉइंट जो है हमको कवर कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। और आपका इसमें मेन चीज़ है और भी आपका है, आप कह सकते हो एफ नंबर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड आपका कह सकते हैं लॉन्ग साइटेड, लॉन्ग साइटेड और शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड, ठीक है, जिसको आप दृष्टि दोष कह सकते हो, यानी कि प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र, प्रकाशीय यंत्र, और ये हमारा जो है ये है हमारा दोष, ठीक है, जिसको कह सकते हैं दोष, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका जो है इससे भी आपका एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्वियसली आता है, यानी मान के चलिए 3 या 4 देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक ना, तो 3 से आपका 4 ऑब्जेक्टिव आपका इससे कवर हो जाएगा। और ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक्स है जी, बहुत ही आपका रोचक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चूँकि इसमें रे डायग्राम पढ़ना है और रे डायग्राम जिसका क्लियर होता है उसका ये सब टॉपिक्स वगैरह जो है ना आपका क्लियर होगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक्स पर हम आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन आपका टॉपिक्स नंबर 3, टॉपिक्स 3 क्या है, टॉपिक्स 3 देखिए आपके लिए कहता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं हम आधुनिक
आधुनिक भौतिकी। ठीक है, ये जो है आपका, ये भी टॉपिक जो है आपका VVI टॉपिक्स है जी। ठीक है, ये भी टॉपिक जो आपका है VVI टॉपिक्स है। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें पहला जो है आपका एटम, ठीक है, एटम मीन्स परमाणु, परमाणु के बारे में दिया हुआ है पढ़ने का, उसका थ्योरी कंसेप्ट हम देखेंगे। फिर इसमें और क्या देखना है, इनर्जी, इनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके बारे में देख लेना है। फिर दूसरा आपका क्या है, निकुलियाई, निकुलियाई, ठीक है, यानी कि नाभिक, नाभिक के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, और नाभिक का डिके कैसे होता है ये भी आप देख लीजिएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जिसको आप कहते हैं अर्धचालक, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक के बारे में हमको गहन अध्ययन करना है। ये है पी टाइप, ठीक है, फिर है आपका एन टाइप, आपका कंडक्टर है, फिर एन पी एन है, पी एन पी है। तो इस कंडक्टर के बारे में हमको अच्छे तरीका से अध्ययन कर लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है आपका, ये लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, इसको पढ़ने के लिए आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि इससे दो ऑब्जेक्टिव, इसी से दो ऑब्जेक्टिव अनिवार्य होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से एक ऑब्जेक्टिव होता है और ये दोनों से एक ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो भी है काफ़ी ख़तरनाक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, और इसे जो है ध्यानपूर्वक कोई भी बुक हो, जो थ्योरी का बुक है, किसी टीचर का नोट्स हो, ठीक है, उसे पढ़िए, और पढ़ने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन ईयर बैंक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, या फिर कोई टीचर जो आपका ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसको बनाइए। ठीक है, फिर ही आप मेरी बातों से सहमत होंगे। चौथा जो आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, चौथा टॉपिक्स वो देखिए क्या है, जरा आते हैं हम चौथे टॉपिक्स पर। चौथा टॉपिक जो है आपका है इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ये टॉपिक्स यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, ये विद्युत धारा जो है इस पर हमको कमांड करना है। क्या भाई, तो पहला नंबर ऑप्शन में कि चालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, चालक में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें देख लेना है हमको ओम्स ला के बारे में, ओम्स ला के बारे में पढ़ लेना है कि ओम्स ला क्या है, इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है। तीसरी चीज़ है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि आपका प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध में भी और क्या कर लेना है, तो इसके ग्रुपिंग के बारे में पढ़ लेना है हमको। ठीक है, ग्रुपिंग के बारे में, इसका ग्रुपिंग कैसे होता है। ठीक है, और चौथी बातें जो है आपका इसमें जो है आपका जो है फेमस है किरहॉफ्स। ठीक है, किरहॉफ्स ला, यानी कि इसको हिंदी में कहीं कहीं किरहॉफ्स या किरचॉफ ला भी कहते हैं, किरचॉफ का नियम, इसे ध्यानपूर्वक देख लेना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली कमांड हो जाएगा जी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमारा सर्किट है ना, सर्किट यानी इस तरह से जो सर्किट होता है, इस तरह से जो सर्किट होता है हमारा, ठीक है, इस तरह के सर्किट में करंट का प्रवाह कैसे होता है और सर्किट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब तरह का बात आप जानिएगा। ठीक है, तो आपका इस टॉपिक से भी आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी मात्रा में आपका सॉल्व होगा एग्जाम में। अब क्या है, जो इससे भी ज़्यादा प्रमुख चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 देखिए क्या है, सो देखिए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको समझिए कि वो है क्या। तो वो है मूविंग चार्ज, मूविंग, मूविंग चार्ज,
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस टॉपिक से भी बहुत मात्रा में ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी गतिशील आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इस टॉपिक्स का में से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी संख्या में आता है। इसमें पहला हमको क्या कर लेना है कि लोरेंज बल के बारे में अध्ययन कर लेना है, इसका फॉर्मूला देख लेना है। दूसरी बात इसमें हमारा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में गति, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा की गति कैसे होती है, किस तरह से प्रभाव करता है ये चार्ज। ठीक है, वहाँ पे ये देख लेना है। तीसरी बातें इसमें क्या है कि एम्पियर का परिपथ का नियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्पियर्स लॉ ऑफ सर्किट। ठीक है, इसके बारे में देख लेना है। और चौथी चीज़ है इसमें क्या हमारा टॉर्क यानी कि आघूर्ण के बारे में जानकारी ले लेना है। ठीक है, और क्या करना है तो डाइपोल यानी कि द्विध्रुव के बारे में हमको देख लेना है। और इसका भी जो फॉर्मूला है ये कहाँ से डेरिवेशन होता है, ये कैसे आता है, डायपोल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन सब टॉपिक्स का आप में से ये सब चीज़ पॉइंट जो है आप कमांड करोगे तो आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव मार्केबल लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इन सभी बातों के अलावा आपको क्या करना है, ज़रा देखिए। आप लोग पढ़े होंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको आप बोलते हैं बीमीय सूत्र। ठीक है, और उसके बाद क्या है एस आई मात्रक, ये देख लेना है। और क्या करना है कि कोई भी आप फिजिक्स का बुक को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर क्या है ना कि आपका फिजिक्स का फॉर्मूला यानी जितना आप फिजिक्स में पढ़े हो, जो भी टॉपिक्स पढ़िएगा उसका फॉर्मूला कवर कर लीजिएगा, तो इससे आपका जो है ना चार ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बहुत नेसेसरी चीज़ है, कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, विद्युत धारा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका ये सब बीमीय सूत्र, एसआई मात्रा का, फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है उसे दिमाग में रख लो। ठीक है, फिर आपका 35 में 35 अपना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।